वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग प्रोफेशनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 50 केजी सीमेंट बैग, यानी एक 50 केजी के सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ 50 के जी सीमेंट बैग, तो 50 किलो की सीमेंट बैग का वॉल्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको सीमेंट की डेंसिटी मालूम होनी चाहिए, जो कि ये गिवन है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इन लूज कंडीशंस इज इक्वल टू 1440 के जी पर क्यूबिक मीटर। लूज कंडीशंस मतलब ड्राई कंडीशन में जो सीमेंट अवेलेबल होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो वेट ऑफ सीमेंट बैग, जिसको मास भी कह सकते हैं या आप इसको क्वान्टिटी से भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि है 50 kg, हमें 50 kg के लिए चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग हमें मालूम करना है, तो ये एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें इन तीन में से दो वैल्यूज़ मालूम है, तो तीसरी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है? मास आपके पास ये गिवन है 50 kg, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये डेंसिटी की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास है 0.035 क्यूबिक मीटर। तो ये आपके पास क्यूबिक मीटर में आ गई है। तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें क्यूबिक फिट में, तो हम इसको 35.29 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, या फिर 3.28 के क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 35.29, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 1.24 क्यूबिक फीट। तो ये जो 1.24 क्यूबिक फीट आया है, ये एक 50 केजी की सीमेंट बैग का वॉल्यूम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।